हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स, जो कि फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है। इस पे फॉरेंसिक में हमने कोई भी वीडियो कवर नहीं की, तो कोई भी टॉपिक कवर नहीं किया, तो हमने सोचा कि आज हम पॉइजन्स पे एक वीडियो लेकर आते हैं, जो कि इसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स। सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम पॉइजन्स की डेफिनेशन देखेंगे, पॉइजन्स होते क्या हैं। देखिए, एक सब्सटेंस होते हैं, तो अगर इनको स्मॉल अमाउंट में लिया जाए, वो छोटी सी भी अमाउंट में लिया जाए, तो ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे किस तरीके से लिया जा सकता है, या तो हम उसको इंजेस्ट करें, मतलब या तो हम उसको ओरली लें, ठीक है, या हम उसको इनहेल करें, ठीक है, या सूंघने से, या वो हम किसी तरीके से एब्जॉर्ब कर लें, और या हम ऐसे उसको टॉपिकली लगाएं, जैसे स्किन पर लगा लिया और हमें रिएक्शन हो गया, हमें मतलब अगर पॉइजन हुआ तो वो हमें डैमेज करेगा, और अगर या तो हम इसको इंजेक्ट करें या इंटरवेनस ले लें, मतलब जो भी है। और ये है ना, ये बॉडी में जैसे ही अंदर जाते हैं तो केमिकल एक्शन होता है, जिसकी वजह से डैमेज होता है और डिस्टरबेंस होता है फंक्शन में, ठीक है, स्ट्रक्चर में डैमेज होना और फंक्शन में डिस्टरबेंस होना, और जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे, और वो डेथ भी डेथ लीड्स टू दी डेथ और इलनेस, ठीक है। जो लास्ट मेजर कॉज हो सकता है वो डेथ भी हो सकता है, बाकी हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत सीवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इलनेस या फिर डेथ भी कॉज हो सकती है, ठीक है। तो पॉइजन्स बेसिकली होता क्या है, किसी चीज़ को, मतलब एक सब्सटेंस होते हैं जिनको हम स्मॉल अमाउंट में भी लें, जैसे लार्ज क्वांटिटी में लें तो भी होगा, और इसको स्मॉल अमाउंट में भी लें, इंजेस्ट करें, इनहेल करें या एब्जॉर्ब करें, या हम इसको अप्लाई करें टॉपिकली, या इंजेक्ट या इंट्रावेनसली लें, इंजेक्टेड मतलब इंट्रावेनसली लेना, ठीक है। तो हम उसको जैसे ही वो बॉडी में जाएंगे और उससे केमिकल एक्शन होगा हमारी बॉडी में, और वो डैमेज करेंगे स्ट्रक्चर्स को हमारी बॉडी में, जो भी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे भी वो एक्ट कर रहा है, जहाँ पे भी जैसे CNS पे एक्ट किया तो वहाँ पे वो उसको डैमेज करेगा, और जो उसके फंक्शन है, अगर वहाँ पे डैमेज करेगा तो वो प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाएगा, और जिससे सिम्टम्स भी प्रोड्यूस होंगे और वो डेथ को भी कॉज कर सकता है, ठीक है। मेजर और सीवियर सिम्टम्स का डेथ ही होगा। तो अब हम क्लासिफिकेशंस पे आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन जो कि हमारा मेन टॉपिक है, तो हमें इसको निमोनिक से याद रखना है, CINM। CINM क्या होता है, हम देखते हैं। देखिए, CINM कोरोसिव, सबसे पहले हम इसकी हम देखेंगे बड़े से छोटा, तो हमने इसको वैसे नहीं बनाया, बॉक्स में नहीं बनाया, हमने इसको सीधे सीधे लिया है, जिससे कि पढ़ने में ईजी रहे, ठीक है। तो CINM, C फॉर कोरोसिव, I फॉर इरिटेंट, N फॉर न्यूरोटिक्स और M फॉर मिसलेनियस, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम इसमें, देखते हैं कोरोसिव इरिटेंट्स, ठीक है, सी फॉर कोरोसिव, आई फॉर इरिटेंट, एन फॉर न्यूरोटिक और एम फॉर मिसलेनियस, ठीक है। तो कोरोसिव में क्या होता है, सबसे पहले हम इसके मेन कैटेगरी में, फिर उसके अंदर हम सब कैटेगरी देखेंगे, ठीक है। तो कोरोसिव होते क्या है, कोरोसिव क्या होता है कि, है ना, वो हमारे जो टिश्यूज़ में अल्सर कर दे, अगर हम इसको इसका हम इसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, कोरोसिव के कॉन्टैक्ट में आते हैं, तो वो हमारी बॉडी में अल्सर टिश्यू में अल्सर कर देगा या फिर इन्फ्लेमेशन कर देगा, डैट प्रोड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड अल्सरेशन ऑफ द टिश्यू, ठीक है, और जो सिम्टम्स होंगे वो हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हम कोरोसिव में कितने कितने टाइप के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग अल्कली और मेटेलिक सॉल्ट, तीन टाइप के हमको मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कली और मेटेलिक सॉल्ट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में क्या होता है, एसिड हमको पता है ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया। ऑर्गेनिक एसिड कौन कौन से होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड हमने देख लिया, स्ट्रॉन्ग एसिड में इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। अब स्ट्रॉन्ग अल्कली में देखें तो क्या होगा, कॉस्टिक सोडा और कार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम। और हम मेटेलिक सॉल्ट्स में देखें तो सॉल्ट्स आ जाएंगे, ZnCl आ जाएगा, जिंक क्लोराइड, FeCl2, AgNO3, ये सब आ जाएंगे। अगर हम इरिटेंट्स में देखें, इरिटेंट्स में क्या होता है, देखिए इरिटेंट्स मतलब अगर वो हमारे मतलब किसी भी चीज़ को इरिटेट करना, जैसे GIT में इरिटेंट्स होता है, इरिटेंट्स अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा को अगर वो इरिटेट कर देता है तो वहाँ पे सीरोटोनिन रिलीज होने लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि, है ना, ये इरिटेशन कॉज करता है और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ठीक है।
इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन कॉज करता है और दैट इज़ लीड टू दी वॉमिटिंग। अब इसमें देखिए दो टाइप के होते हैं, जैसे ऊपर हमने थ्री टाइप के पढ़े, इसमें भी इरिटेंट्स होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक है और ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। सबसे पहले हमने इनऑर्गेनिक कवर किया है, इसमें भी हमने इनऑर्गेनिक किया, फिर ऑर्गेनिक किया, इसमें भी इनऑर्गेनिक और फिर ऑर्गेनिक, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में देखिए दोनों दो टाइप के होंगे, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में कौन जो मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक, एंटीमनी और मर्क्यूरी, ठीक है। और आर्सेनिक है ना, इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है। नॉन मेटेलिक जो होते हैं FClBrI, जो कि हम है ना उसमें हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में कई बार, ठीक है। तो नॉन मेटेलिक जो होते हैं FClBrI, ठीक है। अब हम ऑर्गेनिक देखते हैं, इनऑर्गेनिक हमने देख लिया, ऑर्गेनिक देखते हैं। तो ऑर्गेनिक हमें प्लांट्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स में और मैकेनिकल, ठीक है। तो ऑर्गेनिक जो है हमें प्लांट्स में कौन कौन से देखने को मिलते हैं, एब्रस हो गया, कैस्टर हो गया, कैलोट्रोपिस हो गया। ये हम कैलोट्रोपिस हम जानते हैं, कैस्टर हम जानते हैं, प्लांट्स में होते हैं, ठीक है, प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। एनिमल्स में देखिए स्नैक वेनम हो गया और स्कॉर्पियन हो गया, स्कॉर्पियन का वो हो गया वेनम और स्पाइडर का वेनम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे वेनम्स आ जाएंगे और हम ये देखते हैं स्नैक वेनम अगर हम पढ़ते हैं आगे एक टॉपिक में कवर करते हैं तो हम उसको किस में देखेंगे, कि इरिटेंट्स में आता है, ऑर्गेनिक पॉइजनिंग में, ठीक है। इरिटेंट जो होते हैं ये स्नेक वेनम इरिटेंट्स में आता है, ठीक है। तो अब मैकेनिकल में देखें तो मैकेनिकल होते हैं पाउडर ग्लास, पाउडर्ड ग्लास जो होते हैं, हम उसको वो हम उसके कांटेक्ट में आ जाएं तो हमें उसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। डायमंड डस्ट ये हमने देखा होगा, ठीक है। रेस्पिरेटरी वो भी करते हैं ये, ठीक है। तो फिर है ना न्यूरोटिक्स में देखें तो न्यूरोटिक्स में ये जो होते हैं अफेक्ट CNS, ये जो न्यूरोटिक्स होते हैं वो CNS को अफेक्ट करते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो सेरिब्रल में देखें तो इसमें भी हम कई सारे पढ़ेंगे, ठीक है। सेरिब्रल पढ़ेंगे, स्पाइनल पढ़ेंगे, पेरिफेरल पढ़ेंगे, कार्डिक पढ़ेंगे, एस्फाइक्सियन पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूरोटिक्स में हमने जैसे हम सब में थोड़ा थोड़ा पढ़ के आए लेकिन इसमें ज़्यादा है इसलिए हमको इसको याद रखना पड़ेगा। तो न्यूरोटिक्स में देखिए न्यूरोटिक्स मतलब सेरिब्रल है ना, न्यूरो और सेरिब्रल आप उसको रिलेट कर सकते हैं, स्पाइनल, पेरिफेरल, कार्डियक और एक्सेंट, ये सारे ये सिस्टमिक में आ जाते हैं। हम उसको भी देखते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। तो न्यूरोटिक्स में सेरिब्रल देखेंगे तो सेरिब्रल में दो तीन टाइप के होते हैं, सोमनीफेरस, इनेब्रियंट्स और डेलिरियंट्स, ठीक है। सोमनीफेरस जो होते हैं वो स्लीप इंड्यूसिंग होते हैं, सोमनीफेरस का मतलब स्लीप इंड्यूसिंग, वो ओपियम हो सकते हैं, बारबिट्यूरेट्स हो सकते हैं, इनको इनको कंज्यूम करने से हमें नींद आएगी, ठीक है। इनेब्रियंट्स जो होते हैं वो फीलिंग ऑफ ड्रंक, मतलब इनेब्रियंट्स आप कहीं नाम सुनते हैं तो उसमें है ना, उसमें अब फीलिंग ऑफ ड्रंक का मतलब है आप अल्कोहल अल्कोहल अपने आप से ही सोच सकते हैं, एनेस्थीशिया, क्लोरोफॉर्म, ईथर, ये सब आ जाएंगे उसमें। डेलिरियंट्स में देखिए हेलुसिनेशन की कंडीशन देखने को मिलती है, उसमें दतूरा, कैनबिस और कोकेन होता है, दतूरा भी हम आगे जाके कवर करेंगे, ठीक है। और स्पाइनल में देखिए नक्स, वॉमिका, जेल्समियम, ठीक है। पेरीफेरल में क्यूरारे और कोनियम आ जाता है, कार्डियक में आ जाता है डिजिटेलिस, निकोटिन और एकोनाइट, क्विनिन, टबैको। एस्फाइक्सेंट में आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 और H2S आ जाता है, ठीक है। न्यूरोटिक्स में हम इसको केवल सेरिब्रल वाला कवर करेंगे, सेरिब्रल और स्पाइनल। अगर हम सिस्टमिक लिखते हैं न्यूरोटिक्स में केवल सेरिब्रल और स्पाइनल हम कवर करेंगे, सिस्टमिक अगर हम देख लिखते हैं न्यूरोटिक्स की जगह सिस्टमिक में सारे आ जाते हैं, ठीक है। न्यूरोटिक्स में सेरिब्रल और स्पाइनल आ जाते हैं, तो सिस्टमिक जब हम करें तो हम ये सारे लिखेंगे, न्यूरोटिक्स में ये दोनों लिखेंगे, बाकी हम इसको ABCD करके कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। उसका कोई वो नहीं है, अगर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं जैसा ये लिख रहा है तो भी उसमें कोई बात नहीं है, सब मतलब वो माना जाएगा, गलत नहीं होगा, ठीक है। अब मिसलेनियस में देखें, अगर आपको न्यूरोटिक्स की जगह सिस्टमिक भी डालना है तो सिस्टमिक में ये पूरा ठीक आ जाएगा, ठीक है। मिसलेनियस में देखिए तो एग्रोकेमिकल होता है ड्रग डिपेंडेंस, पेट्रोलियम और फूड फूड पॉइजनिंग, इसमें चार तरीके की कैटेगरी आती हैं, ठीक है। एग्रोकेमिकल में आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर मतलब एग्रोकेमिकल मतलब एग्रीकल्चर में जो केमिकल यूज़ होते हैं वो, तो पेस्टिसाइड्स में देखेंगे कौन कौन से होते हैं, फ्यूमिगेंट्स और रोडेंट, इनके एग्जाम्पल हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग,
और एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, थैलियम सल्फेट। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग हमने फार्माकोलॉजी में बहुत बार पढ़ा होगा, ठीक है। ड्रग डिपेंडेंस जो होता है, ट्रैंकुलाइजर, एंटी डिप्रेसेंट और हेलुसिनेशन। पेट्रोलियम में देखेंगे कैरोसिन और पेट्रोल, इनके कंज्यूम करने से भी पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग में अगर हमें ना बैक्टीरिया और केमिकल के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हमें उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है, मतलब फूड में अगर बैक्टीरिया और वो आ जाएँ केमिकल्स तो हमें उससे फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। देखिए हम इसमें केवल नेम कवर कर रहे हैं, हमें मतलब इसका मोटिव ये था कि हम केवल इसको ये बता सकें कि कौन सी कैटेगरी में कौन से पॉइजन्स आ रहे हैं, ठीक है, किसकी वजह से कौन से पॉइजनिंग हो रही है। और बाकी हम इसको डिटेल में कवर करेंगे आगे, जो भी हमने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बताए हैं वो सारे हम आगे क्लियर वो कवर करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉइजन्स में। कोरोसिव हो गया, इरिटेंट हो गया, न्यूरोटिक हो गया, न्यूरोटिक या फिर आप इसको सिस्टमिक बोल सकते हैं, और मिसलेनियस हो गया, ठीक है। तो है ना, तो कोरोसिव में तीन होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कली और मेटेलिक सॉल्ट। स्ट्रॉन्ग एसिड में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग अल्कली में कास्टिक सोडा और सोडियम कार्बोनेट ऑफ सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम आ गया, ठीक है। मेटेलिक सॉल्ट में देखेंगे तो ZnCl, FeCl2 और AgNO3 आ जाएगा, ठीक है। इरिटेंट्स में देखें तो इरिटेंट्स में क्या होता है कि है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है जिससे कि वॉमिटिंग हो जाती है। उसमें दो दो टाइप के होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मेटेलिक होता है, नॉन मेटेलिक होता है। ऑर्गेनिक में देखें तो प्लांट, एनिमल और मैकेनिकल आ जाएगा, ठीक है। न्यूरोटिक्स में देखें तो ये CNS को अफेक्ट करता है, इसमें हमें कई सारे देखने को मिलते हैं, सेरिब्रल, स्पाइनल, पेरिफेरल और कार्डिक और एस्फिक्सिएंट, ठीक है। सेरिब्रल में देखें तो सोमनीफेरस हो गया, इनेब्रियंट्स हो गया और डेलिरियंट हो गया। इनेब्रियंट्स इंपॉर्टेंट है, इसका हम सारे ही कवर करेंगे, ठीक है। तो अब हमें ना मिसलेनियस में देखें तो एग्रोकेमिकल हो गया, ड्रग डिपेंडेंस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फूड पॉइजनिंग हो गई। तो जो है हम इसको एक बार इस तरीके से देख सकते हैं, मतलब ऐसे बना लेंगे अगर हम चार्ट को देखें तो। देखिए हम पॉइजन्स डालेंगे, अगर हमको जल्दी भी याद करना है तो हम ऐसा रिविज़न की तरह देख सकते हैं। तो हमें कॉरोजिव लिख लिया, इरिटेंट्स लिख लिया, CINM से याद रखेंगे, इरिटेंट लिख लिया, और N फॉर न्यूरोटिक्स हो गया, और M फॉर मिसलेनियस हो गया, ठीक है। तो कोरोसिव में हमने देखा स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग अल्कली हो गया, ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्कली और मेटेलिक सॉल्ट हो गया, ठीक है। अब हमें इसमें एग्जाम्पल से याद रखने हैं कौन कौन से होते हैं, हमें इसमें सारे एग्जाम्पल लिख देंगे। इरिटेंट से हम देखें तो कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए, ठीक है, और ऑर्गेनिक हो गए। अब न्यूरोटिक्स में देखें तो न्यूरोटिक्स में हमें बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हो गया हमारा सेरिब्रल हो गया, स्पाइनल हो गया, ठीक है, और हमारे हो गए पेरिफेरल, कार्डियक और ये एस्फिक्शन, ठीक है, कार्डियक और देखें तो एस्फिक्शन, जो भी हमने वहाँ पे देखे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेंगे, मिसलेनियस में हमने चार देखे थे तो चार लिख लेंगे। हम ऐसे रिवीजन कर सकते हैं इसका, ठीक है। आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे एग्जाम्पल लिख सकते हैं सारे के सारे, और चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से ये सही है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे हम इनको डिटेल में लेके आएंगे, जैसे अल्कोहल पॉइजनिंग हो गया, आर्सेनिक पॉइजनिंग हो गया, स्नेक वेनम हो गया, तो हम इनको डिटेल में लेके आएंगे। बाकी के आगे के लिए थैंक्स, एंड मेक श्योर दैट यू यू विल लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।